सरकार को सुनना चाहिए, क्यों नहीं सुनती है सरकार? पहले था 7 में से 6 सीट कांग्रेस हार जाती, क्या टिकट वितरण में बड़ी कमी रही है? देखिए देश में जो अलग अलग राजस्थान के साथ कई क्षेत्र में चुनाव हुए, ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र में हरियाणा में जो परिणाम आए वो उम्मीद से बिल्कुल बिल्कुल मतलब चौंकाने वाले परिणाम थे। और राजस्थान में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, हम मात्र 1 सीट जीत पाए थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी कमियां रहीं, क्योंकि जब हम पार्टी चुनाव जीतती है उसका श्रेय सब लेते हैं, आज अगर हम नहीं जीत पाए हैं उसकी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, किसी एक की नहीं है। दौसा का चुनाव हम लोग जीते और वहां पर भी सब तरह के सरकार ने हथकंडे अपनाए, बावजूद उसके उस इलाके के लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया, हम वहां चुनाव जीते। लेकिन हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं उन कारणों को संगठन भी देख रहा है, कमेटियां बनी हुई हैं और हम लोग इसमें सही समय पर सही कार्रवाई भी उठाएं करेंगे कि ऐसा क्यों रहा, क्योंकि आप सही कह रहे हैं प्रदर्शन हमारी उम्मीद से बहुत कम रहा। लेकिन बाय इलेक्शंस कई जगह हुए, प्रियंका गांधी जी रिकॉर्ड मार्जिन से जीती हैं वायनाड से, उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन कई जगह आगे रहा, तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा परिणाम आए, कुछ परिणाम पक्ष में आए कुछ हमारे पक्ष में नहीं आए। पायलट साहब 2023 में आपने लगातार मांग उठाई कि सरकार रिपीट होने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, सरकार भी रिपीट नहीं हुई, लेकिन अब उपचुनाव का इतिहास भी बदल गया जो आपके पक्ष में था, ऐसी सूरत में 2028 को लेकर चिंता की लकीरें? अभी चार अभी तो चुनाव पंचायत के होंगे, नगर पालिकाओं के होंगे, उसको सरकार पोस्टपोन करने के मूड में लग रही है। मुझे समय पर चुनाव होने चाहिए, तो अधिकारी बैठेंगे वो बेहतर है, ऐसे जो गांव देहात के लोग हैं वो पंचायतों को चलाएंगे, इसलिए सरकार को तुरंत चुनाव कराने चाहिए। पता नहीं किस कारण से चुनाव से अपना हाथ सरकार खींच रही है। और देखिए उपचुनाव एक अलग परिस्थिति में होते हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग समीकरण बनते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, हाजिर होती रहती है, लेकिन कांग्रेस मजबूत है, हमारे लगभग 70 विधायक विधानसभा के अंदर हैं, पार्टी का संगठन काम कर रहा है, और मैंने कहा ना हम सब इस परिणाम की समीक्षा करेंगे और जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं उनको उठाएंगे। हार हुई है हाँ, वहाँ पर भी हम लोग हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, हम नहीं चुनाव जीत पाए, मुझे उम्मीद हम चुनाव जीतेंगे। वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए कि वहाँ कांग्रेस का जो वोट है वो पूरा नहीं मिल पाया, भविष्य में उसको सुधारेंगे। लेकिन एक चुनाव के उपचुनाव के परिणाम से ऐसा नहीं होता है कि भविष्य तय होता है, और आने वाला समय कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा, पूरे टीम कांग्रेस की जो है AIC से लेके प्रदेश से लेके ब्लॉक से लेकर सब सक्रिय हैं, लगातार प्रोग्राम हम लोग दे रहे हैं और सरकार को हमेशा जवाबदेही तय कराने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और आज भी पूरे देश में हमारी मीटिंग हुई, वर्किंग कमेटी की लंबी चली, विस्तार से चर्चा हुई, परिणामों को लेकर चर्चा हुई, आने वाले भविष्य में क्या कदम उठाएंगे, नियुक्तियों को लेकर, संगठन को लेकर, प्रभार को लेकर, और मुझे लगता है कि हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, आने वाले जो भी पॉलिटिकल चुनौती हुई उसका हम डट का मुकाबला करेंगे। पहले साथ समरावता से कांग्रेस नेताओं ने दूरी बना ली, आखिर क्या वजह रही कि अभी तक आज मेरी बात सुन लीजिए, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज तक भी जिन लोगों पर रात को घुसकर आपने लाठियां चलाई हैं, बर्बरता से व्यवहार किया है, हड्डियां तोड़ी हैं, उनके वाहन जला दिए गए हैं, उनको आज तक मुआवजा सरकार ने नहीं दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा के लोग भी बोलते हैं इस बात को, कांग्रेस तो सरकार नहीं, हम तो मांग रहे हैं भाई। पहली बात हमने सुन लीजिए मेरी बात, पहली बात हमने करी थी, चुनाव होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सरकार खुद ही हिंसा करेगी तो फिर लॉन्डर कौन मेंटेन करेगा। और मैं तो कोई हिंसा करे मैं उसके पक्ष बिल्कुल नहीं, कोई भी हो, और सरकार भी ऐसा करती है तो विरोध हमें करना पड़ेगा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कॉम्पनसेशन दे, मुआवजा दे, और जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर कार्रवाई करें, और जुडिशियल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। आप हमेशा राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, अच्छे शब्दों की बात करते हैं, लेकिन राधा मोहन अग्रवाल आते हैं भाजपा के विधायक व्यवहार, फिर वो अपने अंदाज में कुछ बयान दे करते हैं। नहीं, आप खुल के पूछो क्या पूछना चाह रहे हो, आप पर हमला बोलते हैं, हनुमान में जवाल पर हमला बोलते हैं, राधा मोहन अग्रवाल प्रदेश प्रभारी हैं। भाई मैं तो इन सज्जन जो आपका दौर भी खत्म बता सकते हैं, सबरवाल जी जो हैं, अग्रवाल जी हैं, मेरी इनसे मुलाकात हुई नहीं है ना, मैं इनको जानता हूँ, लेकिन मुझसे इतना विशेष प्रेम भी क्यों रखते हैं, मैं जब मिलूंगा तो पूछूंगा उनसे। तो संगठन का काम करना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, बाकी राजनीति में बेहतर यह रहता है कि जो टिका टिप्पणी है वो एक स्तर की होनी चाहिए, और अपने विरोधियों को भी हमें कभी कम नहीं आंकना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को बोलता आया हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मेरा उनसे परिचय नहीं है, मुझे मुलाकात हुई है, अगर कहीं मुझे मिल गए तो पूछूंगा जरूर कि उनको मुझसे इतना स्नेह और प्रेम क्यों है। आपसे तो सभी को स्नेह है, करोड़लाल जी भी आपकी तारीफ करते हैं, इतना स्नेह क्यों बीजेपी वालों? भाई ऐसा है, राजनीति में सैद्धांतिक राजनीति होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए, और मुद्दों पर अपने स्टैंड कायम रखने चाहिए। जो लोग इस बात को करते हैं वो लंबा लोगों के जगह लोगों के दिल में जगह बना के रखते हैं,
और मेरी कोशिश हमेशा रही है कि राजनीति में चाहे हारे चाहे जीते, जनता के बीच रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए और कड़वे बोल बोल कर कोई बहुत ज्यादा लंबा जाता नहीं है, ये मेरा।